देशात काम करणारी तीन भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला युट्यूबवर सबस्क्राईब करा. तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह रहा लाईव्ह अपडेट्सची निगडीत. हालांकि गुजरात जैसे राज्य से युवा नेतृत्व करने वाले जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल जैसे युवाओं ने पिछले चुनाव में जनता के साथ डटकर भारी मत से चुनाव लड़ा था. इन युवाओं के साथ साथ अब भोपाल के नरेल के युवा अनस सिद्दीकी, इनका नाम मशहूर हो रहा है. हालांकि भोपाल नरेला विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ सिद्दीकी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक उन्हें कांग्रेस की टिकट मिलने की चर्चा है. अगर अनस सिद्दीकी इन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो इस चुनाव में बीजेपी और कई अन्य चुनावी पार्टियों को अपनी हार तो पक्की है. यह बात गली गली के बातों में से समझ में आ रही है. अनस सिद्दीकी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं. नरेला विधानसभा में एक युवा नेता है जो कि निरंतर जनता के बीच में उनकी समस्याओं के साथ सरकार से लड़ते नजर आते हैं. अनस को युवाओं के साथ साथ नरेला क्षेत्र के बुजुर्ग का भी काफी अच्छा समर्थन प्राप्त है. हाल ही में अनस द्वारा पूरे नरेले में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों से मिलने का सिलसिला चालू किया है, जिसमें उनको हर बोर्ड की जनता से बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है. इस बार अनस कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हो सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, युवा महाराष्ट्र लाइव, भोपाल.